सुमध्यान सबको, आज हम पांचवी ब के छात्र छात्राएं विराम चिन्हों के ऊपर एक गतिविधि प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अपने भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह वाक्य के बीच या अंत में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत देर तक चलते रहे तो हमें विराम की जरूरत होगी, वैसे ही अगर हम बहुत देर तक बोलते रहे तब भी हमें विराम की जरूरत होगी। और इसी विराम हम को दर्शाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो अब हमारी यह गतिविधि आपको समझाएगी कि कैसे विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं और कहां प्रयोग किए जाते हैं। नमस्कार, मैं परण विराम। मैं वाक्यों के अंत में लगता हूँ। मेरे अंत में लगने से यह पता लगता है कि वाक्य समाप्त हो गया है। अब मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूँ। रामू सड़क पार कर रहा है। रामू सड़क पार कर रहा है, इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा है, जिससे हमें यह पता लगा कि वह वाक्य समाप्त हो गया है। जिस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ना लगा हो, हमें यह पता लगना चाहिए कि वह वाक्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। जहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा होता है वहाँ पर हमें 10 से 15 सेकंड के लिए रुकना होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ अल्पविराम। आज मैं आप सभी को अपने बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आपको पता है इन तीन चिन्हों में से मेरा चिन्ह कौन सा है? बिल्कुल सही, मेरा चिन्ह यह है जो कि बिल्कुल एक उल्टे छे की तरह भी दिखता है। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग इसी वाक्य में एक ही प्रकार के शब्दों के मध्य को रोकने के लिए या उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि बाजार से आते समय फल, सब्जियां, साबुन आदि लेते आना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि आपको मेरे नाम से पता ही चल रहा होगा, मैं प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगता हूँ। जैसे कि आप कहाँ रहते हो, आपका क्या नाम है, बाहर कौन आया है, सांप को किसने मारा आदि। धन्यवाद। नमस्कार, मैं किसनिया का प्रयोग चिन्ह। मेरा प्रयोग वाक्यों के उन शब्दों में लगता है, उन शब्दों के बाद लगता है जो मन के भावों को व्यक्त करने में मदद करते हैं। जैसे कि अरे कहाँ जा रहे हो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। नमस्कार, हमें योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों का संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन। तो मैं आपको कुछ वाक्य बताने जा रही हूँ। जैसे मैं चलते चलते थक गई, तो इस वाक्य में चलते चलते शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे मेरे माता पिता गांव गए हैं, इस शब्द में माता पिता में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मेरे भाई बहन आज आ रहे हैं, इस शब्द में भाई बहन में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम उदाहरण चिन्ह है। हिंदी भाषा में जब किसी वाक्य को जो कत्यो उतारा जाता है वहाँ उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एकहरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह। एकहरे उदाहरण चिन्ह में जब किसी शब्द या वाक्य खंड का प्रयोग किसी विशेष अर्थ या उद्देश्य के लिए किया जाता है वहाँ एकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी लेखक के उपनाम, पुस्तक का नाम के लिए आदि के लिए एकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सोना की कहानी संक्षेप में लिखिए, दोहरा उदाहरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति की कही गई बात को ज्यों का त्यों उतारा जाता है वहाँ दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रघुकुल की रीति सदा चली आई, जान चले जाए पर वचन न जाए। धन्यवाद। तो आपने इस गतिविधि से 6 विराम चिन्हों के बारे में समझा। आशा है कि आपको यह गतिविधि अच्छी लगी हो और आपको इन 6 विराम चिन्हों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। धन्यवाद।